हरियाणा में इस समय बवाल मचा हुआ है, चारों तरफ पुलिस का पहरा है। मेवात और नू में भड़की हिंसा इतनी फैलेगी ये किसी ने सोचा नहीं था। नू से निकली ये आग अब और बाकी शहरों में भी पहुंच रही है। नू के बाद अब गुरुग्राम में भी भारी बवाल देखने को मिल रहा है। सोना रोड पर खूब उत्पात मचा। भीड़ ने देर रात यहाँ एक धार्मिक स्थल पर हमला कर कर एक की जान ले ली। इतना ही नहीं, दुकानों को भी आग के हवाले कर दिया और हिंसा में अब तक 2 होमगार्ड समेत 5 लोगों की जान चली गई है। जानकारी के अनुसार मंगलवार रात नू में हिंसक झड़प के बाद गुरुग्राम के सेक्टर 57 में एक निर्माणाधीन बिल्डिंग में यानी कि एक धार्मिक स्थल में कुछ लोगों ने हमला कर दिया। इसके बाद उसे आग लगा दी। दमकल की गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। पता चला कि देर रात धार्मिक स्थल पर भीड़ पहुंची जहां उन्होंने हमला कर दिया जिसमें 2 लोगों की जान चली गई। देखा जा रहा है कि हरियाणा के नू और गुरुग्राम में हिंसा और बवाल के बाद तनाव अपनी चरम सीमा पर है। हालात नियंत्रित करने के लिए इलाके में बड़े पैमाने पर फोर्स की तैनाती कर दी गई है। तो वहीं हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने गृह मंत्री अनिल विज और अन्य अधिकारियों के साथ मुलाकात की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह लगातार राज्य सरकारों के संपर्क में हैं। उन्होंने 2 बार सीएम खट्टर से फोन पर बात की, स्थिति का भी जायजा लिया और उन्हें हर प्रकार के सहयोग का आश्वासन भी दिया। इस घटना में सीएम ने कहा कि नू में कर्फ्यू भी लगाया गया है और कुछ जगहों पर धारा 144 लागू कर दी गई है। करीब 44 FIR दर्ज की गई हैं। 70 लोगों को हिरासत में लिया गया है। इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इस घटना को ध्यान में रखते हुए पुलिस ने पूरे इलाके में भारी बल तैनात कर दिया गया है। वहीं प्रशासन ने एहतियातन तौर पर जिन इलाकों में जो वर्ग अल्पसंख्यक उसके लिए इलाके में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि हिंसा पर काबू पाने के लिए अर्धसैनिक बलों की 20 टुकड़ियों को तैनात किया गया है। जहां माहौल बिगड़ा हुआ है वहां नू, पलवल, मानेसर, सोहाना और पटौदी में इंटरनेट बंद कर दिया गया है। अब स्थिति काबू में बताई जा रही है। RAF ने कई जगहों पर फ्लैग मार्च निकाला तो वहीं दूसरी ओर हिंसा के विरोध में विश्व हिंदू परिषद ने आज देशव्यापी प्रदर्शन बुलाया। उधर हरियाणा में हिंसा को देखते हुए UP के 11 जिलों में भी अलर्ट कर दिया है। बता दें कि यही हाल पलवल में भी देखने को मिला। पलवल में भीड़ ने परशुराम कॉलोनी में 25 से अधिक झोपड़ियों में आग लगा दी। हालांकि किसी को कोई चोट नहीं आई। उधर राजस्थान के भिवाड़ी में हाईवे पर भीड़ ने 2-3 दुकानों में तोड़फोड़ कर डाली। बहरहाल वहां पर अभी भी यही माहौल बना हुआ है। हरियाणा में अभी माहौल ठीक नहीं है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए वन इंडिया हिंदी।